कृपा अवतरित हो तथा
उल्लेखित हो
करता मन जब धैर्य
भजते राम नाम रमणी, भजते भक्त भाव भरपूर, रम भय भेद भाव से दूर, पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान, करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहद दान, इसमें सुरति अंदर।
रखियो मेरे अपना आप विरज विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार, राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर में अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, कर गए राम नाम ले, कर गए धृति धारणाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन, राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपार, राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भी
शिवम मंगलम सत्यम शिवम मंगलम सत्यम शिवम सभी
करता हरि संवाद, बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे, बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे। मेरे अपने आप तू हो जा हरि का दास, हो मेरे अपने आप तू हो जा हरि का दास। अर्पण कर सब कर्म को, अर्पण कर सब कर्म को, इसे जान सुख रहा। तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावां नित तेरे, तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावां नित तेरे, गुण गावां नित तेरे, साईं गुण गावां नित तेरे। कभी कभी भगवान को भी केवट बोला
सुनो सुनो हमारे चरण धोल के माया भारे। मैं गरीब नैया मेरे नरी ना होए पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु ये भटकी नाव चढ़ी, जाना था गंगा पार प्रभु ये भटकी नाव चढ़ी। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से कहाँ पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु ये भटकी नाव चढ़ी, जाना था गंगा पार प्रभु ये भटकी नाव चढ़ी। चली नाव गंगा के धारा, चली नाव गंगा के धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। चली नाव गंगा के धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराए, केवट कहे नहीं रघुराए। प्रभु देने लगे नाव उतराए, केवट कहे नहीं रघुराए। नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत। देके मजूरिया ये जाति को ना बिगाड़िए, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत। देके मजूरिया ये जाति को ना बिगाड़िए, प्रभु आए मोरे घाट, प्रभु आए मोरे घाट, तो पार मैंने उतार दी हूँ। जब आऊंगा मैं तोरे घाट, तो पार मोहे उतारियो। चली ना गंगा के धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराए, केवट कहे नहीं रघुराए। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तू मुहे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से कहाँ पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी। बोलो राम सीताराम, 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 बोलो राम सीताराम। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से कहाँ पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु ये भटकी नाव चढ़ी, जाना था गंगा पार प्रभु ये भटकी नाव चढ़ी, जाना था गंगा पार प्रभु ये भटकी नाव चढ़े।
जन्म सफल होगा रे बंदे।
जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। मेरा
संबंधी चर्चा चल रही है। डोरोथी की मां कैलिफोर्निया से अपनी आपबीती सुना रही है। मेरी बच्ची कॉलेज में पढ़ती है, सर्दी का मौसम फ्लू हो गया है, बुखार रहने लग गया है, शरीर में दर्द है। बहुत इलाज करवाने के बावजूद भी डोरोथी ठीक नहीं हुई। सर्दी का मौसम भी निकल गया, ग्रीष्म ऋतु भी आ गई, लेकिन डोरोथी को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला। डॉक्टरों ने मुझे सलाह दी, इसे किसी हिल स्टेशन पर ले जाओ। सभी घर वाले मानते नहीं थे, मैं रामिच्छा मान के तो डोरोथी को किसी हिल स्टेशन पर ले गई। वहां जाके डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि इसे सैनिटोरियम में एडमिट करवा दो। मैं जाके डोरोथी को एडमिट करवा आई, स्वयं धर्मशाला में रहना शुरू कर दिया। पर यही विश्वास था जो पढ़ लिख रखा था, कोई निज का अनुभव तो था नहीं। परमात्मा हर एक के साथ रहता है, सब कुछ उसकी इच्छा से होता है, सब कुछ परमात्मा की कृपा से होता है, सब कुछ परमात्मा की शक्ति से होता है। उसे लगता कि परमेश्वर मेरा पग पग पर मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा विश्वास डोरोथी की मां का। एक धर्मशाला में स्वयं रहना शुरू कर दिया है, दिन में एक बार डोरोथी के पास चली जाती है। पास ही एक दूसरा भी सैनिटोरियम है, उसमें इनकी एक मित्र मेरी वो भी दाखिल है। सुबह से दोपहर तक अपनी पुत्री डोरोथी के पास चली जाती है, बाद के समय मेरी के पास चली जाती है। इस प्रकार समय व्यतीत हो रहा है। दो महीने बीत गए हैं, लेकिन डोरोथी को कोई लाभ अभी तक भी महसूस नहीं हुआ। सोचा पैसे भी खत्म होने वाले हैं, हो रहे हैं, मैं किसी दूसरी छोटी धर्मशाला में जहाँ छोटे कमरे में शिफ्ट कर जाती हूँ, पैसे बचेंगे। छोटे कमरे में छोटी धर्मशाला में कहीं शिफ्ट कर रही है डोरोथी की माँ, सुना रही है। वहाँ जाके एक पुस्तक मिली मुझे टेबल पर पड़ी हुई। उस पुस्तक पर लिखा हुआ था, निष्ठापूर्वक निष्ठावान व्यक्ति, श्रद्धावान व्यक्ति, विश्वासपूर्ण व्यक्ति,
यदि परमेश्वर के दरबार में प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। ये उस पुस्तक में कोई पेज इस प्रकार का खुला हो, उस पुस्तक में ये लिखा हुआ मिला। द्रौपदी की मां ने उसी वक्त अपने कक्ष में बैठ के तो परमात्मा के दरबार में प्रार्थना करनी शुरू कर दी है। स्टार्टेड प्रेइंग। ये नहीं कहा कि द्रौपदी को ठीक कर दो, कहा परमात्मा मेरे लिए क्या हुक्म है, मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। एक सच्चा भक्त साधकों में एक सच्चा प्रार्थी इसी प्रकार की प्रार्थना करता है। लाभ तो उसको भौतिक होने वाला है, लेकिन ढंग इस प्रकार का है, उसकी सरलता परमात्मा जानते हैं, पहचानते हैं। इस प्रकार की है कि द्रौपदी की वाकई यही है कि मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा परमात्मा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। 2 महीने से तेरी बच्ची बीमार पड़ी है, डॉक्टरों के कहने से यहाँ ले आई, डॉक्टरों के कहने से सैनिटोरियम में एडमिट करवा दिया, लेकिन उसका रोग टस्टिमस नहीं हो रहा, मेरे पास पैसे खत्म हो रहे हैं, मेहरबानी करके मेरा मार्गदर्शन करो। व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ, मैं क्या करूँ अब। द्रौपदी की माँ लिखती है, इतनी मीठी ध्वनि, इतनी स्पष्ट ध्वनि मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी। आवाज आई, वापस घर लौट जाओ। मैंने इधर उधर देखा, किसकी आवाज है, कोई कमरे में दिखाई नहीं दिया, आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, बाहर भी कोई दिखाई नहीं दिया। मानो यकीन हो गया कि जिसको प्रार्थना की है उसने प्रार्थना सुन के तो मेरा उत्तर दिया है। साक्षियों, प्रार्थना के लिए ये याद रखिएगा, सबसे पहली कंडीशन प्रार्थना करने वाले के लिए यह है कि उसे विश्वास होना चाहिए कि जिसको मैं प्रार्थना कर रही हूं वह मेरे भीतर ही विराजमान है। अन्यथा बेटा, अगर बहुत डिस्टेंस पर बैठे हैं, हमारी आवाज तो मुश्किल से बाहर तक नहीं जाती, तो वह यदि परमात्मा बहुत डिस्टेंस पर है तो कहां सुनेगा ना। आप अपने भीतर बैठे परमात्मा को सुना रहे हो। प्रार्थना इनफैक्ट इज ए कम्युनियन बिटवीन बोथ ऑफ यू, प्रार्थी और जिससे प्रार्थना की जा रही है उसके साथ वार्तालाप है, उसके साथ एक होने का ढंग है। जैसा कि आपसे कल अर्ज की, टेलीफोन, आप भीतर विराजमान परमात्मा से टेलीफोन कीजिए। अगर किसी ने संत से पूछ लिया, आप कहते हो कि टेलीफोन सर्विसेज बहुत इफेक्टिव हैं आजकल, यहाँ बैठ के आदमी कहीं भी बात कर सकता है, आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास ठीक चीज यंत्र ठीक होना चाहिए, कहीं भी बैठ के आप किसी वक्त भी बात कर सकते हो, क्या ये परमात्मा के साथ संभव नहीं? क्यों संभव नहीं, संत कहते हैं परमात्मा के साथ भी संभव है, परमात्मा के पास भी बढ़िया टेलीफोन है, बहुत बढ़िया टेलीफोन, कभी रॉन्ग नंबर, कभी एंगेज नहीं मिलता परमात्मा का नंबर, हाँ प्राय रॉन्ग नंबर होता है। संत महात्मा कहते हैं परमात्मा को फोन करते हो आप, कभी एंगेज नहीं फोन मिलता उसका, ऑलवेज फ्री टू लिसन टू यू, लेकिन प्राय रॉन्ग नंबर होता है। नंबर की बात आई तो व्यक्ति ने पूछा, महात्मा परमात्मा के टेलीफोन का नंबर क्या है? आप कहते हो भी रॉन्ग नंबर होता है, तो नंबर क्या है, सही नंबर क्या है, हमें सही नंबर बताओ। तो संत महात्मा कहते हैं परमात्मा के टेलीफोन का नंबर है, सब सुनो, मोबाइल का भी एक ही नंबर, घर के भी एक ही नंबर, सबका एक ही नंबर, वो है 0। परमात्मा का टेलीफोन का नंबर है 0। आप अपने आप को 0 बनाओ, इतनी ही प्रीरिक्विजिट है। अपने आप को बेटा 0 बनाओगे, नॉइजलेस बनाओगे, देखो ना क्लासरूम में बैठे हुए हो आप, क्लासरूम में खूब बच्चों ने शोर मचाया हुआ है, टीचर कितनी भी जोर से क्यों ना बोले, उसकी आवाज किसी को भी सुनाई ही नहीं देगी। यही हाल तेजो सज्जनों हमारे अंतःकरण में है, हमारे अंतःकरण का भी यही हाल है, खूब शोर मचा हुआ है अंदर,
परमात्मा बेचारा बोलता है, बताता है, सब कुछ आपका मार्गदर्शन करता है, वह अपनी ड्यूटी से बेटा पीछे नहीं हटता, लेकिन हमने इतना शोरगुल वहां मचा रखा हुआ है कि हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। अपने आप को शून्य करो, एटमोस्फियर चॉइसेस शून्य, अर्थात आपकी जितनी भी दुर्बलताएं हैं, जितने भी दुर्गुण हैं, जितने दुर्विचार हैं, शोरगुल किसका बेटा? व्हाट इज द नॉइज देयर? अपने ही विचारों की उदेड़फुन, अपने ही विचार हमें जो है वह चुप नहीं रहने देते, वह स्थिति लाभ नहीं होने देते। तो संत महात्मा कहते हैं दुर्विचार, दुर्गुण इत्यादि इत्यादि, दोष इत्यादि, ये दो तीन चार शब्द द से शुरू होने वाले, इनको सबको दमन कर दो, खत्म कर दो। बिकम नॉइसलेस, स्वयं नॉइसलेस, वातावरण नॉइसलेस हो जाएगा तो फिर परमात्मा की धीमी मीठी आवाज आपको सुनाई देगी। वह बोलता है, संत महात्मा कहते हैं वह बोलता है, वह आपको बिना आपके पूछे उत्तर देता है, आपके बोलने से पहले वह सुन लेता है आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी पुकार से पहले ही आपकी बात का उत्तर दे देता है। वह परमात्मा है बेटा, वह इंसान नहीं है हमारे तरह, उसके अंदर सरलता है, उसके अंदर कुटिलता नहीं है, इज नॉट ए क्रूक, वह तो हम है, वह तो बहुत सरल है, निष्कपट है, बिल्कुल सबसे बेटा प्यार करने वाला। परमात्मा जो हुआ, हमारा भाई बाप जो हुआ, हमारा सर्वस्व जो हुआ, द्रौपदी की माँ कहती है पुत्री का क्या करूं, ये तो आपने भी कहा, मुझे कहा घर लौट जा, पुत्री का क्या करूं, पुनः आवाज आई कहन घर लौट जा। उसी वक्त देखो परमात्मा के काम, परमात्मा की प्लानिंग देखो, युवको प्लीज लिसन केयरफुली, परमात्मा की बेटा योजना, मास्टर प्लानर ही इस, उसकी योजना देखो। जिस वक्त परमात्मा ने यह कहा, कहा ना घर लग जाओ, उसी वक्त द्वार पर टिक टिक हुई है, चपरासी आया है, आके कहता है आपकी पुत्री टेलीफोन पर आपसे बात करना चाहती है। स्पष्ट है कुछ वर्ष पहले की बात होगी, जब अभी मोबाइल फोन्स नहीं थे, वहीं जाके टेलीफोन सुनना पड़ता था, कहीं जाके मेन जगह पर फोन आता होगा, जैसे सरायों में होता है, धर्मशाला में होता है। मैं नीचे गई, नीचे जाके तो पुत्री का फोन था। क्या बात है बिटिया, मैंने पूछा। मम्मी घर चले वापस, आज ही दोपहर तक, मुझे लगता है मेरे घर वापस जाने में ही मेरा हित है, हम सब का हित है, इट्स बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस, वी मस्ट गो बैक। ठीक है बेटा, उसी वक्त फोन रखा, देयर वाज अनदर फोन कॉल, मेरी का फोन आ गया है। द्रौपदी की माँ कहती है मेरी का फोन आया, मुझे कहती है मैं आज दोपहर के बाद वापस जा रही हूँ, क्या आप लोग भी जाने को तैयार हो, चलोगे? तो मुझे यकीन हो गया कि ये सारी की सारी उस मास्टर प्लानर की प्लानिंग है, जिसने ये सब कुछ प्लान करके रखा है। मेरा टेलीफोन रखने का हुआ, जैसे ही मैंने टेलीफोन रखा तो फोन कॉल आ गई मेरी की, उससे पहले जैसे ही मैंने मैसेज सुना घर लौट जा, तो उसी वक्त द्रौपदी का फोन आ गया। ये सारे प्रबंध करने वाला कौन है? ये सारे प्रबंध करने वाला परमात्मा ही है। साधक चुनो, सिर्फ बेटा विश्वास की आवश्यकता है, यू मस्ट हैव फुल फेथ, अनशेकेबल फेथ इन हिम, हिज एग्जिस्टेंस एंड हिज वर्किंग, दैट्स ऑल। घर आ गई, किसी इलाज की आवश्यकता नहीं। ज्योति की मम्मी कहती है मुझे यकीन है अब किसी इलाज की आवश्यकता नहीं, और मैंने इलाज करवाया भी नहीं। इस वक्त ज्योति कॉलेज में पढ़ रही है, सब कुछ ठीक हो गया अपने आप। काश दवाई ठीक करती होती तो हर कोई ठीक हो जाता और कोई मरता ना। ये सत्य है, आई ट्रीट ही क्योर्स, क्योर बेटा परमात्मा के हाथ ही है, अन्यथा दवाई लेती लोग मरते क्यों, लेते लेते ही लोग मर रहे हैं।
खूब दवाइयाँ लेते हैं लेकिन उसके बाद भी मृत्यु हो जाती है। मानो दवाई अलोन इज नॉट सफिशिएंट, ये याद रखने योग्य। साधकों दो चार बातें प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना उसी की सुनी जाती है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, प्रार्थना उसी की सुनी जाती है जिसकी पुकार हृदय से निकलती है, जिसका हृदय बेटा दूसरे की पीड़ा महसूस नहीं कर सकता प्रार्थना क्या करेगा। यू मस्ट फील द पेन ऑफ अदर्स, आपको दूसरे की पीड़ा का पता लगे तो हृदय से अंदर से आवाज निकलेगी। इट्स नॉट लिप सर्विस, फजूल बेकार एक्सरसाइज व्यायाम, कोई मतलब नहीं इसका। जब तक पुकार अंदर से ना निकले, हृदय से ना निकले, और हृदय से पुकार कब निकलेगी, जब दूसरे का दुख बेटा दूसरे की पीड़ा आप अनुभव करोगे स्वयं, आपको पता लगेगा कि उस व्यक्ति को ये रोग है, उस व्यक्ति को ये अभाव है, उस व्यक्ति को ये तकलीफ है, उसके ऊपर ये कष्ट आ गया है, ये समस्या आ गई है, तो उसकी पीड़ा किस प्रकार की हो सकती है। तो तब जो अंदर से पुकार निकलेगी परमात्मा के लिए वह सच्ची पुकार होगी। ऐसी पुकार परमात्मा कभी अनसुनी नहीं करता, वह सुनता है। शुद्ध अंतःकरण होगा तो हम प्रार्थना के योग्य होंगे। तो अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा, संत महात्मा कहते हैं इसी प्रार्थना से होगा। आप प्रार्थना पहले अपने लिए करो, मेक योरसेल्फ केपेबल ऑफ प्रेइंग फॉर अदर्स, अन्यथा ये सब ऐसे ही होता रहता है। बेकार तो नहीं जाएगा, लाभ तो इसका होगा, पर आप पहले अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए स्वयं प्रार्थना करो, परमात्मा मेक मी प्योर इन थॉट्स वर्ड्स एंड डीड्स, मेक मी प्योर इन थॉट्स वर्ड्स एंड डीड्स। शारीरिक शुचिता प्यूरिटी, वाचिक वाणी की पवित्रता, और फिर कर्मों की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, मन की पवित्रता। ब्लेस मी ओ लॉर्ड विद द प्यूरिटी ऑफ माइंड, मेरे थॉट्स प्योर हो, मेरी वाणी प्योर हो, मेरी कर्मी प्योर हो। तब परमात्मा के दरबार में की हुई याचना वह सुनता है, अनसुनी नहीं करता। परमात्मा के साथ वार्तालाप करने का साधनों सुगमतम साधन, मोस्ट इफेक्टिव साधन प्रार्थना। कभी अकेले महसूस नहीं करोगे, जहां आंख बंद करो उनका सानिध्य, उनको अंग संग मान के, उनको अपने भीतर मान के, स्वीकार करके भीतर विराजमान है अपने आप। लगता तो ऐसे ही साधक चुनो, कोई पागल बैठा है अपने आप बातें कर रहा है, आंख बंद किए हुए ऐसे ऐसे कर रहा है, इतना वो पागल नहीं है। दुनिया पागल है जो उसे पागल समझ रही है, वह इस वक्त परमात्मा के साथ जुड़ता है। सतत नाम स्मरण करने वाला, सतत नाम जप करने वाला, सतत बेटा अंदर से वेल कनेक्टेड विद द सोर्स, उसकी प्रार्थना परमात्मा सुनता है। तो साधकों क्या मिलता है प्रार्थना करने वाले को, वर्णनीय है मुक्ति, जीवन मुक्ति। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जो परम सुख, जो परम शांति, जो परम आनंद उसे मिलता है वह उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अपने बेटा किसी के लिए प्रार्थना की मामूली सी बात है, एक दिन बेटा करके देखना। आज क्रोध का अवसर है, मानो आपको क्रोध का दौरा पड़ने वाला है, उसी वक्त आपने इसको रोक लिया, शाम तक देखना आप अंदर से कितने बलवान महसूस करोगे। बाहर से नहीं बेटा, अंदर से कितने बलवान महसूस करोगे। आज किसी आवश्यकतावान की, किसी जरूरतमंद की आपने जरूरत पूरी कर दी है, not necessarily with money, not necessarily with clothes, but things like that. दोस्त सहानुभूति के शब्द, रोते हुए के आंसू इस प्रकार से पहुंच दिए हैं, जो सुख बेटा चैन की नींद उस रात को आएगी। शायद आपको होगी, मैं इतनी चैन की नींद कभी जिंदगी में पहले सोया नहीं। सो प्रार्थना करने से जो मिलता है देवी सज्जनों, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
प्रार्थना आपको याद दिलाऊं फिर समाप्ति। स्वामी जी महाराज ने प्रार्थना पुष्पांजलि में कोई प्रार्थना आपके लिए बेटा कोई संसारी नहीं थी, सब संसारी प्रार्थना दिव्य प्रार्थना जिन्हें कहा जाता है वह छह एक पेजी सारे दिव्य प्रार्थनाओं से ही भरे पड़े हैं। प्रत्याशी का यही समाप्त करने की इजाजत दी। धन्यवाद भौतिक लाभों के लिए। महात्मा गांधी कहते हैं भौतिक लाभों के लिए एवं आध्यात्मिक लाभों के लिए प्रार्थना जैसा इफेक्टिव साधन और कोई नहीं है। मेरे जीवन में प्रार्थना ना होती तो मैं महात्मा न बन सकता। इस प्रार्थना ने ही मुझे महात्मा पहुंचा दिया। मैं तो एक गृहस्थ था, मैं कोई विरक्त नहीं था, मैं कोई साधु नहीं था, मैं जन्मा महात्मा नहीं था। इस प्रार्थना ने मुझे महात्मा की उपाधि, सारा संसार इस वक्त मुझे रिकॉग्नाइज करता है एज महात्मा। सारा संसार कहता है क्यों, परमात्मा ने उसे महात्मा बना दिया तो फिर कौन है ना करने वाला। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। Check.